अरे शाहरुख खान, ये देख, हाँ हमें चैलेंज किया। ये देखो, जो हमारे सनातन पर घात करेगा, वो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनका हाल ये वाला 100 टुकड़े ना। हर जगह पर सनातन टारगेट होता है, सनातन को अब टारगेट नहीं होने देंगे भैया। जहाँ पर आप लोगों ने बोला कि बेशरम रंग, ठीक है ना, वो बेशरम रंग नहीं है, वो हमारा सम्मान का कलर है। ये मैंने पहन रखा है भगवा, ठीक है। उस गाने में तो कई कलर थे, 8 कलर थे टोटल। वो 8 कलर ना बाद में हुए, तुमने 8 कलर नहीं किया वहां जाकर, समझ आई ना। तुम मीडिया वाले ज्यादा वो काम कर जाते हो कि उसमें 8 कलर थे, उसमें 10 कलर थे। भैया उसमें पहले भगवा ही था। ये डर के मारे सब कुछ हुआ है, पहले नहीं था। और दूसरी बात, अगर चलो गलती से हुआ भी, तो फिर इन लोगों ने, इनका फर्ज क्या था कि ये लोग बोलते कि भाई हमसे गलती हो गई है, आप लोग सब भारत के जो भी नागरिक हो, हमारे भाई बहनों, हमसे गलती हो गई है, हमने किया है। पर ये कह रहे कि वो छोटी छोटी हवाओं से, झोंकों से टहनियां नहीं हिलती। अरे शाहरुख खान, ये देख, हाँ हमें चैलेंज किया। ये देखो शाहरुख खान, टहनियां नहीं, हमने तुझे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। वो कहते हैं ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अरे सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया कर रही है, विदेशों में ये बॉलीवुड क्यों का ये अरे सुनो मेरी बात, सनातन बेटी की फोटो फाड़ दिया। सुनो मेरी बात, ये सनातन की बेटी की फोटो की बात कर रहे हो ना, वो सनातनी हो चाहे कोई भी हो, जो हमारे सनातन पर घात करेगा, वो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनका हाल ये वाला। 100 टुकड़े ना, फिर भी वो अकेले हैं, ये हमारे पैरों में पड़े हैं। ये देखो टुकड़े की बात कर रही है मैडम, भगवा पहन के टुकड़ों की बात, बिल्कुल टुकड़ों की बात कर रहे हैं, भगवा पहनकर, क्योंकि भगवे का अपमान हुआ है। कैसे बर्दाश्त करें? तुम लोगों को नहीं दिखता। सेकंड में दिखाई गई, फर्स्ट में दिखाई गई। बेटियों की यहाँ इज्जत लुट रही है, बेशरम रंग तुम्हारे लिए बोला गया, बेशरम रंग तुम्हारे लिए बोला गया। किसके लिए? हाँ, तो बेशरम रंग किसको बोला गया? गाना नहीं है, उजला कलर, वही उजला कलर, भगवा कलर, उसी के लिए, भगवा कलर के लिए बोला गया। और जहाँ भगवे के लिए, हाँ ग्रीन तुमने पहना था ना, अम्मी आई थी ग्रीन बिकनी पहन के, है ना, फातिमा आई थी तुम्हारी ग्रीन बिकनी पहन के, उसमें बोला गया। भावना हाथ होती है, नहीं होती ना। अगर दूसरे धर्म की भावना हाथ होती, तो हमारे धर्म को कभी टारगेट ना किया जाता। अगर दूसरे धर्म की भावनाओं कदर करते, तो सनातन को कभी टारगेट नहीं किया जाता। हर जगह पर सनातन टारगेट होता है, सनातन को अब टारगेट नहीं होने देंगे भैया। जब तक 14 के बाद ज्यादा टारगेट किया गया धर्म को, जब से सुशांत को इन लोगों ने मारा है, बॉलीवुड वालों ने, तब से हमने इनका बाइकआउट कर दिया है। अब तो पूर्ण रूप से कर दिया है। ये हमारे ना थे, ना हैं और ना कभी रहेंगे। अब ये योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि रोक दो, अगर तुम लोग इतने समर्थन में हो तो फिर योगी जी तो सबके पास जाएंगे। घुटनों के बल तो आ गए ना, आंखों में आंसू तो आ गए ना। अब बोला जा रहा है कि भाई ऐसे मत करो, है ना योगी जी, आप मोदी जी से बोलो। अब वो कहाँ गई किरण? अच्छा, हमारी तो मूवी फ्लॉप हो गई। तो किरण कह रही है कि शाहरुख, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, सनातनियों से पंगा ना ले। तो भैया इसी तरह जहां मेरे सनातन की घात होगी, इसी तरह से जुबान चलेगी। और इसी तरह से मैं बता दूं, जहां भी गलत होगा, इसी तरह से मैं बोलूंगी। कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, कौन कौन कह रहा है? कंगना रनौत भगवा पे जूता रख लेती है, तब आपकी भावना? सुनो सुनो सुनो, भगवे पे जूता रख लेती है, मैं आपको बता दूं भगवे, सुनो सुनो मेरी बात तो पूरी सुनो, क्वेश्चन किया ना तो आंसर लो, बोली जाओगी तो मैं कहाँ से बोलूं? पूछ लिया आपने, पूछ लिया आप, जा कुसर पुसर कर रही थी, मुझे समझ आ गई थी। हाँ मैं बड़ा, अरे भैया तुम सबसे निपटने के लिए दिमाग रखती हूँ, है ना? दिमाग लेके आते हैं, दिमाग होता है, तैयारी नहीं करनी पड़ती, दिमाग होता है। और सुनो जो आप कह रहे हो ना कि शूज, तो भैया भगवे में हर चीज, शूज भी बनते, सब कुछ बनते। मैंने भगवे की, मैंने आपको ये कहा कि अगर भगवे की जगह पर वो बिकनी की जगह पे बुर्का पहन लेती तो क्या दिक्कत थी? अच्छा है ना? तो बुर्का नहीं, नहीं क्यों बुर्का में क्यों नहीं डांस हो सकता? बुकवा में क्यों नहीं डांस होता है ना? बुर्का पहन लेती हर अरे मैंने अभी बुर्का दिया था भैया, मेरा संदेश पहुँचाना, अपनी बहन तक मेरा, अपनी खाला तक मेरा संदेश, अपनी खाला तक, और वो जिनकी जाके बाइट लेते हो ना वो मोहित और दूसरा, उन तक मेरा संदेश। हिजाब का विरोध करते हैं भैया, फालतू बात नहीं हिजाब का। मैं आपको बता दूं कि आप लोग गलत बात मत बोला करो, आप लोगों के गलत बोलने से आप आधे से ज्यादा आप लोग भड़काऊ भाषण दिलवाते हो, सही बताऊं आप लोग। हाँ विरोध करते हैं बिल्कुल करते हैं, जहाँ पर सनातन के ऊपर कोई बात आएगी वहाँ विरोध होगा। मेरा बात तो अभी भी नहीं दिया, मैंने दे दिया, मैंने कहा भगवे में, मैंने कहा भगवा में जूता रखा, मैंने कहा कि कंगना रनौत क्या कह रही, मैं आपको कह रही हूँ कि भगवे रंग का हर चीज बन रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है, रखा है भगवे पे। अब तुम ये जो पिछली बात है ना, अभी तुम कहोगे पिछली हो गई, अभी तिवारी कहोगे, जा रहे अभी तिवारी कहोगे, उसका नाम लोगे तो भैया तुम ये पिछली सांसद भगवा पहन के अब बायकॉट कर दिया तो कर दिया, खटिया सरकार है, सांसद खटिया सरकार है। हर हर महादेव।